नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा दसवीं विषय हिंदी, पिछले सप्ताह में हमने छापा इस कविता के बारे में अध्ययन किया था, अध्यापन किया है। आज के दिन में पाठ पांचवा ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, लेखक है सुनील शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनका सरलता, सच्चाई, इनके बारे में लाल बहादुर शास्त्री प्रसिद्ध थे। उन्हीं का एक लेखक सुनील शास्त्री ने लाल बहादुर शास्त्री और लेखक इनके बीच जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का वर्णन जो है इस पाठ में दिया हुआ। जबकि लेखक जो है, बचपन की बात है लेखक की, जो उन्होंने पिताजी जब थे तब की बात अलग थी, और पिताजी चले जाने के बाद कभी उन्हें पिताजी का अभाव नहीं हुआ ऐसा महसूस होता है। एक समय था कि बच्चे अपने पिताजी से डरते थे, और डरना भी चाहिए अगर पिताजी से हमें, क्योंकि हर एक के माता पिता जो है अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, और उसी भलाई के लिए बच्चों ने भी ध्यान देना जरूरी है, पिताजी का कहना मानना जरूरी है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको समझ लेना जरूरी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक सुनील शास्त्री जी ने बताया है कि बाबूजी का जब थे उत्तर प्रदेश में थे, और जब उत्तर प्रदेश में थे तब सुनील शास्त्री का जन्म वहाँ हुआ, बड़े हुए वहाँ। उन्होंने कल्पना किया करता था भी कि उस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री, सॉरी गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। अब हर एक के पिताजी अगर बड़े हो तो बच्चों को थोड़ी अपने पिताजी के बारे में जानकारी होती है, तो हम कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं। अब पिताजी अगर पुलिस मंत्री है तो हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, इस प्रकार की कल्पना सुनील शास्त्री ने की है। और फिर जब बाबूजी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो है, जब वे प्रधानमंत्री हुए थे तो उनके पास गाड़ी थी, उसका नाम है इम्पला शेवरले। गाड़ी का नाम क्या है? इम्पला, इम्पला शेवरले, मतलब गाड़ी का भी नाम रखा है। बहुत सारी गाड़ियां होती है, उस समय गाड़ी का नाम था इम्पला शेवरले। अब इम्पला शेवरले गाड़ी अच्छी है, आलीशान है, आलीशान मतलब शानदार, आरामदायी जिसे कहा जाता है, ऐसी आलीशान गाड़ी थी वो। अब घर में, घर के आंगन में अगर आलीशान गाड़ी हो, और सुनील शास्त्री बड़े हैं हो गए हैं, उनका मन चाहता है कि ये गाड़ी कब मैं चलाऊं, कब इस गाड़ी को बाहर ले जाऊं, लेकिन पिताजी का डर। फिर उस समय वे क्या सोच रहे थे कि पिताजी छुट्टी लेकर कब बाहर जाएंगे, या तो पिताजी ड्यूटी पर कब जाएंगे, क्योंकि हमेशा गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे, जब समय समय पर ही गाड़ी का उपयोग करते, इसका मौका, इसका लाभ उठाना चाहते थे सुनील शास्त्री। अब सुनील शास्त्री सोच रहे थे कि मौका कब मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि कुछ भी हो हम गाड़ी चलाएंगे, इस प्रकार से
मौका मिले और उसे चलाना चाहते थे। प्रधानमंत्री का लड़का जो था दिखावे के लिए, मामूली बात थोड़ी थी, यह कल्पना मन में रखकर उड़ान भरते रह गए, मतलब खुशियां उड़ाते रहे जैसे कि। जब हिम्मत बढ़ गई, जो सहायक साहब थे उनको ऑर्डर देते हैं कि जो बाबूजी के निजी वाले व्यक्ति होते हैं, असिस्टेंट जिसे कहते हैं, सहायक जिसे कहते हैं, उसे ऑर्डर देते कि जाओ ड्राइवर को कहिए कि इम्पला गाड़ी जो है वो आगे लाइए। इस प्रकार से अब प्रधानमंत्री का लड़का है, उसको सहायक को जो कहा है सहायक भी मानने को तैयार हो गए और ड्राइवर से कहते हैं कि इम्पला शेवरलेट गाड़ी जो है वो आगे लाइए। इस प्रकार से जैसे ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर 2 मिनट में गाड़ी गेट के पास ले आया। सुनील शास्त्री का दूसरा भाई था अनिल शास्त्री, चलो भैया दोनों चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन अनिल भैया ने कहा कि गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ, मुझे डर लगता है। मैं आगे बैठा, मतलब सुनील शास्त्री लेखक आगे बैठे, ड्राइवर से चाबी मांग ली और ड्राइवर को कह दिया कि तुम अभी आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। गाड़ी लेकर हम चल पड़े, क्या शानदार सवारी थी, इम्पला शेवरलेट शानदार गाड़ी चला रहे थे। घूमने चले गए आगे, यहाँ वहाँ घूमा, याद कर बदन में झुरझुरिया आने लगी, झुरझुरिया कम कमी। जिसके यहाँ खाना था वह पहुंचा, बातचीत में समय चला गया, ध्यान ही नहीं रहा। जिस जगह पर जाते हैं, जिसके वहाँ खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ एक प्रकार से समय बीत गया। फिर याद आया, अरे बाबूजी घर पर आ गए होंगे, चलो जल्दी जल्दी यहाँ घर निकलते हैं। इस प्रकार से जल्दी जल्दी वे घर पर आते हैं। उतर कर गेट तक आए वे, पहले तो संतरी को हिदायत दी, संतरी मतलब पहरेदार, पहरेदार को सूचना दी, हिदायत मतलब सूचना जिसे कहते हैं आदेश, कि तुम चलो पैलोट मत करो, मतलब नमस्कार मत करो, पहले गाड़ी जो है गेट जो है वो गेट धीरे से खोलना, आवाज नहीं आने चाहिए, दबे पाव चलना चाहिए इस प्रकार से, और गाड़ी अंदर रखते ही गेट खुला छोड़ देना, मतलब आवाज नहीं आएगी। इस प्रकार से कहा, मतलब इतने डरते थे, गाड़ी तो चलाना है लेकिन चुपचाप रख देना है। उन्हें सब पता चल गया था कि पिताजी आ गए होंगे, बाबूजी का डर, सैल्यूट नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर लौटने का अंदाजा होना चाहिए, वे बेकार में पूछताछ करेंगे हमें, इस हिसाब से वे कुछ नहीं, क्योंकि अगर ताजा ताजा बता देंगे कि हम गाड़ी लेकर बाहर गए थे तो पिताजी गर्म हो जाएंगे। लेकिन सुबह तक उनका आवाज जो है, उनका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा, सुबह की बात सुबह देख लेंगे, इसलिए कहकर वे चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। बाकी का भाग हम अगले भाग में देखेंगे, कल देखेंगे। धन्यवाद।